गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड करनी पड़ेगी। आपको इसके साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाती है। और आज है 28 मई 2024 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज के एक आर्टिकल के बारे में। मैं इस आर्टिकल को स्पोकन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से कवर करूंगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट के पर्सपेक्टिव से कवर करूंगा, जो इससे एक मेंस आंसर राइटिंग बन सकता है, जो आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं रेल सेफ्टी के बारे में। उसको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ का लिंक डाल दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस न्यूज पेपर को द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जानना हर एक वोकैबुलरी वर्ड्स को, सेंटेंस को मैं बताता चलूंगा। प्लेइंग टू द गैलरी कैन बी इंजूरियस टू रेल सेफ्टी। तो ये के बाला केसरी जो फॉर्मर इंडियन रेलवे सर्विस के मैकेनिकल इंजीनियर हैं और जो मेंबर रह चुके हैं रेलवे बोर्ड के, तो ये कह रहे हैं प्लेइंग टू द गैलरी। प्लेइंग टू द गैलरी एक मतलब सेंटेंस है, इसका मतलब होता है, फ्रेज का मतलब होता है कि किसी को दिखाने के लिए काम करना। प्लेइंग टू द गैलरी किसी को दिखाने के लिए खेलना। कैन बी इंजुरियस, इंजुरियस होता है डेट्रीमेंटल एबनोक्सियस, हानिकारक हो सकता है रेल सेफ्टी के लिए। यहाँ पे इन्होंने कहा क्या है, बिलीव इट और नॉट, आप बिलीव करो या ना करो, किससे कहानी बताएंगे, एनेक्डोट बताएंगे, छोटी छोटी स्टोरियां, जिससे पता चल सकता है कि अब प्लेइंग टू द गैलरी मतलब दिखाने के लिए काम हो रहा है तो वो सेफ्टी के लिए खतरनाक हो सकता है। इन्होंने कहा अडहेरिंग, आप विश्वास करो या नहीं करो, अडहेरिंग पालन करना टू द लेट रूल्स, लेट रूल्स का अडहेरिंग टू द रूल्स, रूल्स का पालन करना कैन समटाइम्स कब हो सकता है इनवाइट डिसिप्लिनरी रिएक्शन। तो कई बार ऐसा भी होता है कि भाई आप बिलीव करो ना करो, बट रूल का पालन करना भी कई बार क्या हो सकता है, डिसिप्लिनरी एक्शन को इनवाइट कर सकता है, इनवोक कर सकता है, बुला सकता है। कैसे, कुछ हफ्ता पहले, ए वीक फ्यू वीक्स अगो, इन वन ऑफ द जोनल रेलवे में डिसिप्लिनरी एक्शन वॉज सोट, सीक की सेकेंड फॉर्म है टू बी टेकन, मतलब ये मांग रखी गई कि डिसिप्लिन एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट द पायलट, जो ट्रेन का पायलट होता है, लोको पायलट, फिर लाइट इंजन जो कि लाइट इंजन का पायलट था, दैट इज एग्जाम्पल दिया ये लोकोमोटिव, लोकोमोटिव जो होता है लाइट इंजन जो होता है अपने आप स्वचालित लोकोमोटिव खुद से ही चलता, जो विदाउट ए ट्रेलिंग लोड, उसके पीछे कोई ट्रेलिंग खींचने वाला लोड नहीं था, अकेला कोच था, कोई कोच नहीं था और एक इंजन था बस, कोचिज और वैगन, ऐसा कुछ नहीं था कि पीछे वैगन जो होता खींचने वाले या कोई कोचिज डिब्बे या ट्रेलिंग लोड नहीं था। वो वाज टास्क कि जिसको टास्क दिया गया था विद द क्लियरिंग ए ट्रेन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फंसे हुए होना, जो कि ट्रेन फंसी हुई थी इन मिड सेक्शन एज द लोकोमोटिव हैड फेल्ड, तो मिड सेक्शन में कोई ट्रेन फंसी हुई थी उसको क्लियर काम करने का दिया गया कि भाई आप ये लोकोमोटिव को यहाँ से हटा दो, और जो कि ट्रेन बीच में स्टैंडर्ड फंसी हुई थी मिड सेक्शन में, वो बीच में फेल हो चुका था। द केस वॉज दैट द पायलट हैड नॉट स्पोकन टू द सुपरवाइजर, जो पायलट था ट्रेन का उसने क्या बात नहीं की थी, हैड नॉट स्पोकन, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड नॉट स्पोकन, बात नहीं कर चुका था वो किससे, टू हिज सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से उसने बात नहीं की थी, कि हम पास्ट की कहानी सुना रहे हैं तो उसके पास्ट के पास्ट में उसने अपने सुपरवाइजर से बात नहीं की थी, इसलिए पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है। ओवर द फोन, फोन पे बात नहीं की, बट इट वॉज एक्चुअली फॉर नॉट हैविंग, ये क्या था, इट वॉज एक्चुअली ये था रियली में क्या था, फॉर नॉट हैविंग रन एट ए हायर स्पीड, तो ये जो इसको कई बार डिसिप्लिन एक्शन लिया गया था कि फॉर नॉट हैविंग रन एट ए हायर स्पीड देन 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर से ज्यादा ऊपर स्पीड से न दौड़ाने की वजह से उसको डिसिप्लिनरी एक्शन क्या है झेलना पड़ गया था। दैट वाज परमिटेड इन द रिटन ऑथराइजेशन गिवन टू हिम बाय द स्टेशन मास्टर, तो स्टेशन मास्टर ने उसने कहा था कि भाई 15 किलोमीटर से ऊपर आपको ये चलानी नहीं है, एंड अंडर द रूल्स फॉर ऑपरेशन इन सेक्शन दैट इज ब्लॉक्ड बाय अनदर ट्रेन, तो ये किसके द्वारा, ये क्या था जो रूल्स थे ना, रूल फॉर ऑपरेशन लिखे हुए थे उसके लिए दिया था, इन ए सेक्शन सेक्शन में दैट इज ब्लॉक बाई अनदर ट्रेन, जो कि अनदर ट्रेन के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था। वाई वॉज आस्क टू डिस, वो किस लिए उसको बोला गया ऐसे करने के लिए, इट वॉज मिनिमाइज द डिले टू पैसेंजर ट्रेन, तो उसने क्या कहा कि 15 किलोमीटर से ऊपर जाओ, हालांकि रिटर्न में लिखा गया था कि 15 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर नहीं लेके जाना आपको इंजन को, बट ये क्या है अवॉइड करने के लिए, पैसेंजर ट्रेन जो लेट हो रही थी ना ड्यू टू डिस्ट्रप्शन बाधा की वजह से, इसलिए उसको बोला गया कि आप तेज दौड़ाओ। अपेरेंटली पंचुअलिटी, अपेरेंटली मतलब एविडेंटली क्लियरली दिख रहा है कि पंचुअलिटी जो नियमबद्धता है डिसिप्लिन रहना टू प्रियोरिटी ओवर सेफ्टी, तो पंचुअलिटी मतलब टाइम पे पहुंचाना सेफ्टी के ऊपर पहुंच गया, क्योंकि उसको 15 किलोमीटर से ऊपर न जाने के लिए बोला गया था, बट उसको कहा गया कि आप 15 किलोमीटर जो कि स्पीड से उस इंजन को लेके जाओ। फॉर्चुनेटली भाग्य की बात है विद दिस इंसिडेंट गेनिंग मीडिया अटेंशन, तो इस इंसिडेंट से क्या हुआ,
मीडिया अटेंशन मिल गई था, प्रपोज डिसिप्लिनरी एक्शन वाज विड्रॉन, तो उसके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शन था उसको विड्रॉन कर दिया गया। ऑफ लेट मतलब थोड़े दिन पहले लोको पायलट एंड असिस्टेंट पायलट इंडियन रेलवे के, जिनको पहले ड्राइवर असिस्टेंट ड्राइवर बोला जाता था, सीम टू बी एट द रिसीविंग, उनको ऐसा देखा गया, प्रतीत हुआ गया क्या, रिसीविंग एंड, रिसीविंग एंड मतलब उनको कोटा मिल रहा था ऑफ एन एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसा है, उनको बिहेवियर मिल रहा था, दैट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब, इसको कहा जा सकता है प्लेइंग टू द गैलरी, मतलब प्लेइंग टू द गैलरी मतलब दिखावे के लिए काम हो रहा है। लेट मी एक्सप्लेन टू मोर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल और देते हैं। द रनवे ट्रेन, रनवे पे ट्रेन थी, कैसे 25 फरवरी 2024 की बात है ये, ए ट्रेन फॉर्मेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू डीजल लोकोमोटिव, तो मतलब ट्रेन फॉर्मेशन था जिसमें क्या था, दो डीजल इंजन थे, बोथ अनमैन, दोनों में आदमी नहीं थे, एंड 53 वैगन, उसके पीछे 53 डब्बे लगे हुए थे, दैट वर लोडेड विद स्टोन ब्लास्ट, स्टोन ब्लास्ट उसमें लोड था, कोई विद नो ब्रेक वैन, ब्रेक वैन में इसमें लगी नहीं हुई थी, रोल्ड आउट ऑफ कथवा स्टेशन, रोल्ड आउट मतलब स्टार्टेड हुई, रोल्ड आउट होता है कि स्टार्ट करना कोई भी जर्नी, रोल्ड आउट हिज जर्नी ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑफ कथवा स्टेशन से चली जो नॉर्थ रेलवे अनमैन, तो ऑफ द नॉर्दर्न रेलवे अनमैन, मतलब बिना आदमी की ट्रेन चल रही, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस फॉलिंग ग्रेडियंट, कंटिन्यूअस लगातार फॉलिंग ग्रेडियंट का स्लोप था टेरेन का, एरिया का, द पायलट लेस ट्रेन, यहाँ पे पायलट नहीं था, इन बोथ लोकोमोटिव कंटिन्यूड इट्स जर्नी, तो ये दो इंजनों के साथ जर्नी करती रही फॉर ओवर 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर तक, बिफोर इट कुड फाइनली स्टॉप, कुड बी उसको फाइनली स्टॉप किया गया, तो 70 किलोमीटर चल चुकी थी, फॉर्चुनेटली बाय रूटिंग द रनवे, रूटिंग रनवे, रनवे को मतलब जो जिस पटरी पे चल रही थी उसको रूट कर दिया, चेंज कर दिया ट्रेन थ्रू दी अनऑक्युपाइड लाइन्स, जहां पे अनऑक्युपाइड लाइन्स थी, जहां पे बिजी नहीं थी, खाली जगह थी, अलोंग वे मेजर डिजास्टर वाज, उससे क्या है मेजर डिजास्टर रोक दी गई, सेम मतलब इन्होंने कहा कि बिना अनमैन के थे ऐसे ऐसे 25 फरवरी 2024 को ऐसे दो डिब्बे लगे हुए थे, 53 पीछे डिब्बे थे उसके, दो इंजन थे, वो अपने आप स्लोप की वजह से ऐसे चलेगी, 70 किलोमीटर आगे दूर रोकी, वो उसको अवॉइड किया गया, दूसरी जगह पे डाला गया, स्टोन पैलेट उसमें डले हुए थे, सिंस एक्सेस टू ए कॉपी, मतलब एक्सेस क्या पहुंचना, एक कॉपी ऑफ द इंक्वायरी, इंक्वायरी की जो कॉपी हुई कि भाई ये ट्रेन कैसे स्लोप से उधर चलेगी, इन दिस केस हैज बीन डिनाइड अंडर ए रिस्ट्रिक्टिव क्लोज ऑफ आरटीआई, आरटीआई 2005 का ये बोल रहे हैं कि कुछ सिक्योरिटी कंसर्न से उसका रिप्लाई नहीं दिया गया आरटीआई डालने पे, दिस राइटर हैज हैड टू गो बाय द वर्जन पुट आउट इन मीडिया बाय वन ऑफ द स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, जो राइटर हैज हैड टू गो, उसको जाना पड़ा, हैज वर्ब की थर्ड पर, हैड टू गो मतलब ये होता ना यू हैव टू गो, तो इसकी पास्ट टेंस बना दी, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी, उसको जाना पड़ा था क्या बाय द वर्जन, बाय तरीके से पुट आउट इन द मीडिया, मीडिया में रख दिया वन ऑफ द स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, तो मीडिया में वो बात रखती है, अकॉर्डिंग टू दिस वर्जन, ये वर्जन जो इन्होंने खेला था, पायलट्स हु वर बियॉन्ड देयर नॉर्मल आवर ऑफ ड्यूटी, तो ये उनकी नॉर्मल आवर ऑफ ड्यूटी थे, हैड रिक्वेस्टेड टू बी रिलीव, उनको मतलब वर्किंग आवर से बोला गया कि भाई रिक्वेस्ट किया गया था कि उनको रिलीव करो, बट इंस्टेड ऑफ अलाउिंग देम टू प्रोसीड टू देयर बेस स्टेशन, उनको उनके बेस स्टेशन पे नहीं जाने दिया गया, विच वॉज नियर, जो उनके पास था, ऑर्डर वर इश्यू टू देम स्टेबल, उनको बोला गया कि इश्यू टू देम स्टेबल, मतलब पार्क रहो द ट्रेन, ट्रेन को पार्क करो एंड प्रोसीडेड बाई ए पैसेंजर ट्रेन, उन्होंने कहा गया कि आप पैसेंजर ट्रेन से वापस आओ, एंड विच हैड ऑलरेडी अराइव्ड देयर स्टेशन, जो पहुंच गई थी टू अनदर स्टेशन फर्दर अवे फ्रॉम देयर बेस स्टेशन, तो वो पहले ही दूर पहुंच गई थी उनके बेस स्टेशन से दूर, उनको बोला गया कि आप वहीं पे पार्क करो उसको ट्रेन को, और आप दूसरी ट्रेन से पैसेंजर ट्रेन से आओ जो पहले ही पहुंच चुकी थी अलग स्टेशन पे उनके बेस स्टेशन से दूर, उनके पास क्या था इनसफिशियंट टाइम था अवेलेबल टू पायलट टू इंश्योर प्रॉपर सिक्योरिंग ऑफ द स्टेबल लोड ऑन द स्टेशन, तो ये कह रहे हैं कि जो लोड ट्रेन थी उनके पास टाइम नहीं था उसको सिक्योर करने के लिए, विद ए ग्रेडियंट सीम्स टू हैव बीन ए क्रिटिकल फैक्टर, फिर स्लोप था इसलिए वो अपने आप ग्रेडियंट चलती चलेगी, दैट लेड टू द ट्रेन रोलिंग, जिससे अवे रोल जिससे क्या ट्रेन अपने आप चलेगी, तो ये कह रहे हैं कि पायलट के साथ ऐसा किया गया, ये द मोस्ट स्ट्रिंजेंट प्रोविजन, मोस्ट सबसे कड़ा प्रोविजन जो उपाय था ऑफ द डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स टू द रेलवे वाज इनवोक्ड इन दिस केस ऑफ समरली रिमूव द पायलट्स अलोंग विद द स्टेशन मास्टर एंड अपॉइंटमेंट फ्रॉम सर्विस, तो इन चीजों को सबको हटा दिया गया, स्टेशन मास्टर को, इनको सर्विसेज में जो भी थे, द थर्ड केस इज ए सीरियस एक्सीडेंट, तीसरा केस क्या है सीरियस एक्सीडेंट था, तो देख दो केस हमने डिस्कस कर लिए भाई, वो 15 किलोमीटर से ऊपर दौड़ा रहा था या फिर ये ट्रेन अपने आप रोल होकर चलेगी ऐसे, ट्रेजडी रैप इन मिस्ट्री, रैप लिपटी हुई थी मिस्ट्री में, मिस्ट्री क्या होती है कोई भी रहस्यमय तरीका, अक्टूबर 29 की बात है 2023 की, अक्टूबर 29 2023 की बात है 7 बजे की, विशाखापट्टनम या रायगढ़ पैसेंजर कोलाइडेड, कोलाइडेड होता है टकरा जाना विद द रियर ऑफ द विशाखापट्टनम पालसा पैसेंजर,
विशाखापट्टनम से पालसा जाने वाली पैसेंजर या विशाखापट्टनम से रायगढ़ पैसेंजर पीछे से टकरा गई, रियर होता पिछली साइड पैसेंजर, ऑल्सो ट्रेवलिंग ऑन द सेम लाइन पे जा रही थी ये पालसा भी, बिटवीन कंटका पले एंड अलमंडा स्टेशन ऑफ ऑन दी हावड़ा चेन्नई लाइन, हावड़ा चेन्नई लाइन पे द कोलिजन लेड टू द डेथ ऑफ 14 पैसेंजर, 14 पैसेंजर मर गए अपार्ट फ्रॉम द पायलट, पायलट भी असिस्टेंट पायलट भी ऑफ द रियर ट्रेन, जो पीछे ट्रेन थी, एंड गार्ड जो ट्रेन मैसेंजर होता गार्ड ऑफ द ट्रेन इज इन फ्रंट, वो सामने था, 50 पैसेंजर वर इंजर्ड, 50 पैसेंजर इंजर्ड हो गए। देर वॉज ए स्टेशन इंक्वायरी, स्टेशन लेवल पे इंक्वायरी हुई आफ्टर द एक्सीडेंट कंडक्टेड बाई द कमिश्नर ऑफ द रेलवे सेफ्टी, CRS कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, साउथ सेंट्रल सर्कल, साउथ सेंट्रल जो सर्कल के थे, हु फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। प्रीलिमिनरी जो प्राथमिक रिपोर्ट आई जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की, ASC सर्कल जो थी साउथ सेंट्रल सर्कल के, विच वॉज सबमिटेड इन नवंबर 2023, इसमें रिपोर्ट दी, ए टाइटल ओवर द 2 वीक्स, ए लिटिल 2 सप्ताह से ज्यादा आफ्टर द एक्सीडेंट हैड कंक्लूडेड दैट एक्सीडेंट वॉज कोज बाई एरर इन द ट्रेन वर्किंग, ट्रेन वर्किंग के कारण था, ट्रेन वर्किंग के एसेंशियली मीनिंग दैट स्टेशन स्टाफ था या क्रू ऑफ द ट्रेन इन द रियर हैड, जो क्रू थे ट्रेन के रियर जो पीछे वाली थी, हैड नॉट फॉलोड द रूल्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए सेक्शन विद ऑटोमेटिक सिग्नलिंग इन विच सम सिग्नल्स वर ऑल्सो डिफेक्टिव, मतलब ऑटोमेटिक सिग्नल का उन्होंने रूल फॉलो नहीं किया था और कुछ सिग्नल थे डिफेक्टिव थे, तो इसलिए पीछे वाली ट्रेन की गड़बड़ थी जो विशाखापट्टनम से कहां पे चल रही थी, पालसा चल रही थी। तो अब मतलब रिसीविंग एंड इसलिए बोल रहे हैं कि देखो इनको पनिशमेंट मिल रही है, स्टेशन मास्टर हटा दिया गया, जो ट्रेन रोलिंग हुई थी इसमें भी कुछ स्टाफ को हटा दिया गया, ऐसे ऐसे है, तो मीडिया की वजह से एक वो जो बच गया जो ट्रेन को 15 रेलवे इंजन को 15 किलोमीटर के हिसाब से दौड़ा रहा था। तो केस ऑफ डिस्ट्रक्शन, अब केस ऐसे मुद्दे हुए जो डिस्ट्रक्शन क्या होता है, अपने पाथ से विचलित हो जाना ओवर 4 मंथ्स, 4 मंथ में आफ्टर द एक्सीडेंट इन नियरली अर्ली मार्च 2024, मार्च 2024 की बात है, बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल रिपोर्ट ऑफ कमीशन ऑफ द रेलवे सेफ्टी, द मिनिस्टर ऑफ रेलवे अनाउंस दैट मीडिया यूरे का बोला इनको दैट एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाय रेलवे ऑफिशियल ए डे आफ्टर द एक्सीडेंट हैड रिवील्ड दैट अटेंशन ऑफ द क्रू ऑफ द वन ऑफ द ट्रेन इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट वॉज डिस्ट्रैक्टेड, अटेंशन डिस्ट्रैक्टेड था जो पीछे वाली ट्रेन का पायलट का, दे वर वॉचिंग ए क्रिकेट मैच ऑन द मोबाइल फोन, वो क्या मोबाइल फोन पे क्रिकेट मैच देख रहे थे। बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग मिनिस्टर एडिड फॉर गुड मेजर्स, तो गुड मेजर दैट द इंडियन रेलवे वुड नाउ बी इंस्टॉलिंग सिस्टम, तो अच्छे तरीके अपनाएगी गवर्नमेंट, क्या करेगी इंस्टॉल करेगी, विच वुड बी एबल टू डिटेक्ट एनी डिस्ट्रक्शन, कोई भी डिस्ट्रक्शन है उसको इंस्टॉल कर लेगी, पता लगाएगी, इंश्योर दैट पायलट्स एंड असिस्टेंट पायलट्स आर फोकस्ड ऑन द ट्रेन वर्किंग, ट्रेन पे काम कर रहे हैं, ट्रेन पे ध्यान दे रहे हैं। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑफ द CRS कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी असेस दैट बाय दिस राइटर थ्रू द RTI रूट, RTI रूट को पता चला, Now we are mentioned that attention of the crew was diverted due to their watching a cricket match on the mobile phone. Mobile phone पे मैच देख रहे थे। On the contrary, different way, जो Commission of Railway Safety इनको RTI लिखा था इन राइटर ने, commented that during the 10 minutes preceding of the collision, the loco pilot of the rear train had performed 9 different operation testifying to his alertness. तो उसने क्या है 9 different operation किए थे उसकी टेस्टिफाई करने के लिए अपने अलर्टनेस को पीछे वाली ट्रेन में, 10 मिनट पहले ही तो उन्होंने काम किया था। The final report of the CRS which was released recently, final report जो थी CRS की जो Commission of Railway Safety की थी, which was released recently की है, essentially जरूरत थी, मतलब essentially क्या होता है, बिल्कुल जरूरत था, reiterates दोहराया उन्होंने चीज को, that conclusion of the preliminary report, जो conclusion था जो प्राथमिक रिपोर्ट का, and now according to a report published in this daily on the May 3rd, 2024, we are informed that with no evidence forthcoming, कोई भी ऐसे सबूत नहीं सामने उभर के आए, लेटर इन दी मोबाइल डाटा, मोबाइल डाटा में भी ऐसे कुछ नहीं आया कि भाई उन्होंने मैच देख रखा है, पता नहीं चला। यूजेज ऑफ टू सब्सटांशियट द एलिगेशन, जो सब्सटांशियट होता है किसी अपने पुख्ता करना, पक्का करना, एलिगेशन जो आरोप लगे हैं दैट लोको पायलट्स वर वाचिंग क्रिकेट मैच, मोबाइल डाटा से भी नहीं पता चला कि वो क्रिकेट मैच देख रहे थे। ऑन मोबाइल फोन एट द टाइम ऑफ कोलिजन द रेलवे हैव रिकॉल द सेफ्टी सर्कुलर्स इशूड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो दोबारा से उन्होंने देखा कि सेफ्टी सर्कुलर देखे मोबाइल फोन पे सर्कुलेट किए, एंड दिस सोर्डिड एपिसोड, सोर्डिड है बिल्कुल भयानक गंदम जो एपिसोड हुआ, विच सीम्स टू बी ए क्लासिक केस ऑफ फर्स्ट फॉर्मुलेटिंग ए थ्योरी, पहले एक थ्योरी बना दी कि वो मैच देख रहे थे, देन लेटर लुकिंग फॉर एविडेंस टू सपोर्ट इट, फिर उसको सबूत जुटा रहे हैं कि इसको सपोर्ट करने के लिए, रेजेज ए फ्यू क्वेश्चन, ये बहुत सारे क्वेश्चन उठाता है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की बातों पर, क्योंकि उन्होंने RTI डाला उसमें रिप्लाई मिला है, अलग अलग रिपोर्ट आई है। तो प्लीज आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना ताकि आने वाले टाइम पे मैं और अच्छे वीडियो लेके आ सकूं और आप ऐसे न्यूज़पेपर की हैबिट को अच्छे से इंकल्केट कर सकते हैं आपके रूटीन में।
और प्लीज कमेंट डालिए कि आपको जो जो वोकेबलरी वर्ड्स मैं बता रहा हूँ उनकी हिंदी भी डाल सकते हैं आप, और यस करके ही डाल सकते हैं कि आपको फायदा मिल रहा है नहीं, और लाइक जरूर कर देना प्लीज। तो आगे चलते हैं, ट्रबलिंग क्वेश्चन, प्रॉब्लम में डालने वाले क्वेश्चन क्या है। इफ यदि एज इट टर्न्स आउट नाउ, अब मान लो इसका रिजल्ट जो आया है, टर्न आउट क्या होता है, रिजल्ट, नो एविडेंस वॉज फोर्थ कमिंग, कोई सबूत नहीं मिले कि वो मोबाइल देख रहे थे। फ्रॉम द मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स टू सब्सटेंशिएट द एलिगेशन दैट द पायलट्स वर वॉचिंग ए क्रिकेट मैच, ऑन व्हाट बेसिस, किस बेस पे वाज एन अनाउंसमेंट मेड 4 मंथ्स आफ्टर द सीआरएस सबमिटेड हिज प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, जो उन्होंने भेजी थी प्राथमिक रिपोर्ट, बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे टू द इफेक्ट। तो रेलवे मिनिस्टर ने ये कह दिया कि भाई मोबाइल पे वो देख रहे थे। वाज देयर, क्वेश्चन मार्क है कि वाज देयर एन अटेम्प्ट लोअर लेवल्स टू प्लांट ए रेड हेरिंग, तो क्या था कि रेड हेरिंग था कि मतलब अनदेखा करना किसी चीज को, तो ये कह रहे हैं कि अटेम्प्ट था कि लोअर लेवल टू प्लांट ए रेड हेरिंग आफ्टर ऑल वॉचिंग ए क्रिकेट मैच ऑन ए मोबाइल फोन कैन बी ब्लेम्ड ऑन रेकलेस क्रू। तो रेकलेस क्या होता है, अव्यवस्थित क्रू को ब्लेम किया जाता है, वेर जबकि द फ्लोटिंग, जिसके डाउट, फ्लोटिंग क्या होता है, जिसने गड़बड़ की हो, ऑफ द रूल्स, उल्लंघन करना रूल का, ट्रेन ऑपरेशन इन द ऑटोमेटिक सिग्नलिंग टेरिटरी, ऑटोमेटिक सिग्नल टेरिटरी में गड़बड़ हुई है बाय द स्टाफ एंड द लोको क्रू, पार्शली रिफ्लेक्ट्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इम्प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द और इनफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ द ट्रेन वर्किंग अंडर द अबनॉर्मल कंडीशन। तो अब नॉर्मल कंडीशन में जो स्टाफ है देख नहीं पाया कि ये सिग्नल में क्या गड़बड़ है, जो ये एपिसोड हुआ, जो घटना हुई है, अनफॉर्चुनेटली जो बाकी की बात है, ऑल्सो एक्सपोज करता कि सरप्राइजिंग लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन द रेलवे, प्रोफेशनलिज्म नहीं है रेलवे में एट वेरियस लेवल डीलिंग विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए सीरियस एक्सीडेंट एंड व्हाट इज इवन वर्स, बहुत उससे भी खतरनाक बात यह है कि इट ऑल्सो शोज दैट इट डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल होता है निराशाजनक बात है कि लैक ऑफ सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी इन हैंडलिंग ए मैटर इन्वॉल्व इन टू डिसीज रेलवे एम्प्लॉय, जो दो रेलवे एम्प्लॉय मार गए हैं उसमें भी सेंसिटिविटी नहीं है, अच्छे से देख नहीं रहे चीजों को। ईच केस रिकाउंटेड अबो, दोबारा से जो हमने रिकाउंटेड किया है अबो, इज वास्टली, बहुत लंबे चौड़े स्तर पर डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स, अलग अलग है, बहुत अलग है, येट देर वार सम कॉमन थ्रेट्स, कॉमन डर है रनिंग थ्रू दी ऑल ऑफ देम, सब में एक कॉमन डर है, एक गड़बड़ है, ऑल इन्वॉल्व लोको पायलट, सभी में लोको पायलट मिल रहे हैं। ईच केस वॉज लिंक टू द रेल सेफ्टी, रेलवे सेफ्टी से ईच केस सोकोस एंड ओवरविनिंग ईगरनेस, इन दोनों में एक ईगरनेस दिखाई गई एट वेरियस लेवल ऑफ हायरार्की टू पुनिश और ब्लेम, ऑलमोस्ट एक्सपेक्टिंग अप्रोबेशन। तो इन सभी केसेस में दिखाया गया कि भाई वो पनिशमेंट देना चाहते थे, अप्रोप्रिएशन, अप्रोबेशन फ्रॉम द गैलरी, तो सभी चाहते हैं कि भाई दिखाने के लिए ऐसे है, फॉर ए टॉट टफ नो सेंस अप्रोच अपना है, द गैलरी वेरीज इन इच केस, हर केस में अलग अलग जो डिपार्टमेंट है ये करने वाला, द इमीडिएट सुपीरियर, द बोसिस इन द मिनिस्ट्री और द मीडिया एंड द पब्लिक एट लार्ज, द केसेस आल्सो कॉल फॉर सम सीरियस इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है पूरे अंदर तक खोद के देखना पड़ेगा अपने आपको, विद नियरली 10% वैकेंसी इन द कैडर ऑफ द लोको पायलट, 10% वैकेंसी लोको पायलट में, आल्सो एवर इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ फ्रेट, ट्रैफिक, ट्रैफिक जो भार ढोने वाले हैं ज्यादा हैंडल ईच ईयर, इट इज नो बैरियर दैट सच रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आर मेड पॉसिबल ओनली बाय द रेगुलर ब्रीच ऑफ द रूल्स गवर्निंग द ड्यूटी आवर्स ऑफ रनिंग स्टाफ ऑन ए सिग्निफिकेंट एक्सटेंट, देर आर ऑल्सो इशू, बहुत सारे मुद्दे हैं, सच एज कंटिन्यूस नाइट वर्किंग, इनएडुकेट रेस्ट नहीं मिल रहा पर्याप्त में स्टेशन, होम स्टेशन में, ऑल ऑफ विच पॉइंट द नीड फॉर पुटिंग इन ए प्लेस मैकेनिज्म टू गिव फोकस अटेंशन टू द मेजर इशू कंसर्निंग द लोको पायलट, लोको पायलट के मुद्दों पर हमें ध्यान देना चाहिए। मीनवाइल इन बिटवीन प्लेइंग टू द गैलरी कैन एडवर्सली इंपैक्ट द रेल सेफ्टी, लोगों को दिखावे के लिए कि भाई हाँ इन जो एम्प्लॉय की गलती है, इन या रिसीविंग एंड पे पायलट्स को, लोको पायलट्स को लेने के लिए, ये भाई बैक एंड में हो जाएगी आदमियों की सेफ्टी और ये खत्म हो जाएगा चीजें। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो, कमेंट करो कि कैसा आपको लग रहा है पढ़ के। थैंक यू वेरी मच, बाय।